धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। ना जाने कब तक आपको ऐसी मनहूस खबरें सुनाता रहूंगा। मुझे भी खुद अपने अंदर से एहसास होता है, बहुत हिम्मत पैदा करनी पड़ती है ऐसी खबरें आपके सामने रखने के लिए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा और आपके सामने ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। आपको झकझोरना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी कि बोलना सीखिए। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए बोलना सीखिए, वरना ये खामोशी जो तारी करने की कोशिश की जा रही है, ये खौफ का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक घटनाएं करके लोगों में जो दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाली नस्लों को आप क्या क्या देकर जाएंगे। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली नहीं कहूंगा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कहूंगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, उस दिल्ली से खबर हमारे पास आ रही है। मैं खुद दिल्ली में बैठा हूं। 16 साल के मदरसे के स्टूडेंट को, मदरसे के बच्चे को, मदरसे के छात्र को, तालिब इल्म को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या हुआ था, क्यों हुआ ऐसा, ये सारी चीजें इसमें बताऊंगा। रही है मेरे साथ, पर खबर दिल्ली से आ रही है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां देश के राष्ट्रपति बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, पूरा सिस्टम बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, भोंपू मीडिया तमाम अपने मुरथल में पराठों की दुकान देखी है आपने, बहुत बड़े 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 सुंदर सुंदर से बोर्ड सजा के बैठे हैं वो लोग, उसी तरीके से भोंपू मीडिया अपने तमाम स्टूडियो, अपने तमाम न्यूज रूम उस तरीके से सजा के बैठा है। वहां से खबर आ रही है कि 16 साल का एक नाबालिग बच्चा जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, जो कानपुर के मदरसे में पढ़ा करता था, रहने वाला था बिहार के अररिया का, बकरीद की जो छुट्टी हुई थी, ईद उल अज़हा की जो छुट्टी हुई थी, उसमें वो अपने भाई के पास दिल्ली आ गया। पहले गांव पहुंचा अररिया यूपी के कानपुर से, और फिर बिहार के अररिया से आ गया दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में रहने वाले अपने भाई के पास, दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके के मक्कनपुर में उसके भाई रहते हैं मोहम्मद शाहिद, प्लम्बर का काम करते हैं, उनके पास आ गया। दिल्ली दूर दराज गांव में रहने वालों के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं आपको बता दूँ, एक ज़माना था जब हम लोग नहीं आ पाते थे दिल्ली, तो हमारे गांव के कस्बे का कोई शख्स अगर बच्चा दिल्ली चला जाता था, वो कई दिन तक दिल्ली के किस्से सुनाता था, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, वहाँ की गाड़ियाँ ऐसी हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ पे लोग ऐसे ही घूम रहे थे, वहाँ के सिनेमा हॉल। दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ है दूर दराज में रहने वाले के लिए। तो ये बच्चा भी दिल्ली की उसी चकाचौंध के चलते अपने भाई के पास आ गया, और भाई के पास आने के बाद इसने कहा कि अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं से अपनी तालीम हासिल करूँगा और यहीं पढ़ूँगा। 2 तारीख की रात की बात बता रहे हैं, 2 की 3 की। ये बच्चा जन्माष्टमी का प्रोग्राम देखने के लिए घर से निकला, और इसे लगा कि मैं भी देखता हूँ दिल्ली में जन्माष्टमी का प्रोग्राम कैसे होता, और ये मक्कनपुर इलाके में कहीं बताते हैं भटक गया। और अगले दिन सुबह यानी कि मंगलवार की सुबह 4 सितंबर की सुबह इसकी लाश नग्न अवस्था में, सिर्फ बदन पर इसके एक बनियान था और इसके एक दूसरे बदन पर दूसरा कपड़ा निक्कर था, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं था, और शरीर पर चोट के सैकड़ों निशान थे। घर के ही पीछे जो दूसरी गली थी, जो इसके भाई का घर है मोहम्मद शाहिद का, उसके घर के पीछे जो दूसरी गली थी उसी में इसकी लाश पड़ी हुई मिली। बताया गया कि लोगों ने चोर समझ के इसको पीट दिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया, मामले की जांच की, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन लोगों को लगा कि ये चोर है और इन्होंने चोर समझ के इसको पीट दिया, और पूरी वारदात जो है उन्होंने मौत के घाट उतारने के बाद इसकी लाश को नाली गली में लावारिश हालत में फेंक भी दिया। अब दिलेरी ये देखिए कि अगर आपने किसी चोर को पकड़ भी लिया है और मान लीजिए उन्हीं की बात को सही माना जाए, तो क्या आप इंसाफ करोगे? ये जो थाना पुलिस, ये जो पूरा ड्रामा बना हुआ है कोर्ट कचहरी, ख़त्म करिए फिर सब, जब पब्लिक को ही सब कुछ करना है। आप लोगों को इतना वो हो गई, आपके अंदर नफरत भर गई है, लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इस बच्चे का जो गेटअप है, जो हुलिया है, वो सर पे टोपी है, कुर्ता पजामा पहने हुए है, साफ दिखाई देता है कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा है, वो चीज़ भी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की जो DCP हैं असलम खान, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ 3 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, और 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, राजकिशोर, नंद किशोर और त्रिवेणी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देशराज, संतलाल और मोहनलाल अभी फरार चल रहे हैं। 6 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज की है। अब आगे देखना ये होगा कि जांच के बाद पुलिस बताती क्या है, क्योंकि इन्होंने क्यों इस बच्चे को मौत के घाट उतारा। खबर के बारे में तो क्या कहूँ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।